हल्द्वानी की अमरपाली यूनिवर्सिटी एक बेहतरीन काम करने जा रही है। प्रबंधन समिति ने आज संवाद कार्यक्रम के जरिए बताया कि यूनिवर्सिटी बनने के बाद विभिन्न प्रकार के नए प्रोफेशनल कोर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित और टूरिज्म क्षेत्र में नए कोर्स लाने जा रहे हैं। दरअसल अमरपाली इंस्टीट्यूट को अब अमरपाली यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल चुका है। इसके बाद से ही यूनिवर्सिटी के विस्तार से लेकर पहाड़ के गरीब छात्रों के लिए 100% छात्रवृत्ति को लेकर अमरपाली यूनिवर्सिटी ने कई नई योजनाओं को शुरू किया है, जिसकी जानकारी प्रबंध ने संवाद कार्यक्रम के तहत मीडिया को दी है। यूनिवर्सिटी के CEO डॉक्टर संजय डिंगरा ने कहा कि यूनिवर्सिटी पहाड़ के होनहार छात्रों को मुफ्त में कोर्सेज कराने जा रही है। वहीं पत्रकारों के बच्चों और आर्मी के होनहार छात्रों के लिए अलग से स्कॉलरशिप की व्यवस्था की गई है। 25 साल एज अ संस्थान पूरे हुए हैं और एज अ यूनिवर्सिटी हमारा शैशव काल है, पहला सत्र है, लेकिन 25 साल का एक्सपीरियंस, 25 साल का एक्सपोजर और 25 साल में जो प्रेम और सम्मान आप लोगों से मिला है, समाज से, पेरेंट्स से, वो हमारे साथ है। क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे आज भी देश विदेश में हैं। 18,000 स्टूडेंट अनुमानित हमारे यहाँ से पास आउट हो चुके हैं। अभी कन्वेंशनल कोर्सेज जो हम चला रहे थे 25 साल से, उसके अलावा उनमें कोई नए स्पेशलाइजेशन चालू कर रहे हैं। कुमाऊं की एक ज़रूरत है, होटल मैनेजमेंट तो हम चला ही रहे हैं, टूरिज़्म को भी बढ़ावा देने के लिए टूरिज़्म का कोर्स चालू कर रहे हैं। कुछ नए स्पेशलाइजेशन जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ज़रूरत है, मशीन लर्निंग की, ये चालू कर रहे हैं। अगले सत्र से 25-26 से हम लोग विधि संकाय, नर्सिंग और जर्नलिज्म एंड मास कॉम भी शुरू करने जा रहे हैं। क्या जी, स्कॉलरशिप? देखिए, स्कॉलरशिप एक तो अभी अनाउंस की गई है पत्रकारों के आश्रितों के लिए, उनके बच्चों के लिए, उसके अलावा डिफेंस फोर्सेस, पैरामेडिकल, पुलिस, उनके लिए है। और उसके अलावा एक जो एजुकेशन स्कॉलरशिप अलग है, वो है 25% स्कॉलरशिप से लेके 100% तक। उसमें बच्चे का 12th का मार्क और उसके अलावा 12th के मार्क्स के अलावा एक एंट्रेंस टेस्ट हम कंडक्ट करेंगे, स्कॉलरशिप एंट्रेंस टेस्ट, और उन दोनों के मार्क्स का एवरेज जो निकलेगा उसके बेस पे बच्चा एलिजिबल होगा 25% या 50 या 75 या 100% स्कॉलरशिप के लिए। देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य तो यह था कि जो आम्रपाली विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हुई है, पहले आप जानते हैं कि ये आम्रपाली ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के नाम से काम कर रहा था, जो पिछले 25 वर्षों में इस क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बनाया। इस आम्रपाली ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की उपलब्धियों को देखते हुए उत्तराखंड शासन ने इसको विश्वविद्यालय का स्तर दिया है। तो आज जो हमारा मकसद था वो ये कि विश्वविद्यालय स्तर पर जो आम्रपाली ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट को मान्यता मिली है, उससे आप लोगों को रूबरू कराना। विश्वविद्यालय बनने के बाद जो हमने नए कोर्सेज चलाए हैं, जो कि विद्यार्थियों के हित में है और आज के औद्योगिक जगत में उसकी डिमांड है, उन कोर्सेज के बारे में आप लोगों को बताना। और इसके साथ ही जो भविष्य में हमारी योजनाएं हैं, जो नए कोर्सेज हम खोलने वाले हैं, नए इंस्टीट्यूट खोलने वाले हैं, नए फैकल्टीज खोलने वाले हैं, उसके बारे में भी आपको जानकारी देने का हमारा मकसद है। यूनिवर्सिटी जो शुरू हुई है, इसको तो हम एक तरीके से देखते हैं कि हम एक सपना है जिसको साकार करना चाहते हैं। वो सपना ये है कि कुमाऊं आंचल में एक अग्रणी शिक्षा संस्थान उभर कर आए। आम्रपाली ने अपने एक नाम तो कर रखा है, लेकिन एक विश्वविद्यालय के रूप में हम बच्चों को जो बाहर जाना पड़ता है, हमारा ये कोशिश है कि हम उनको वो सारे प्रोग्राम यहाँ पर दें जिसकी वजह से उनके परिवार में, उनके पिताजी पे या उनकी माताजी पे जो एक फाइनेंशियल बोझ पड़ता था वो ना पड़े और उन्हें अपने ही सराउंडिंग में सारे वो रोजगार पूरक कोर्सेज या रिसर्च रिलेटेड जो आयाम है वो, या फिर इनक्यूबेशन, या फिर उन्हें बिजनेस आइडिया डेवलप करने का मौका हम आम्रपाली विश्वविद्यालय में ही देना चाहेंगे।